हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका लेमन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कमेंट से। कमेंट में देखिए पूछा गया है कि सर जी अपलब करती है या टाइम पास कैसे पता करें। तो घबराइए नहीं, ये वीडियो बहुत ऑफ होगा, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए सिमिलर रूप से उपयोगी होगा। हालांकि सच्चे प्यार को कैसे जाने इस पे एक वीडियो है इस चैनल पर, लेकिन उसके माध्यम से सिर्फ आप ये जान पाओगे कि आप सच्चा प्यार करते हो कि नहीं करते हो, ये नहीं जान पाओगे कि आपका पार्टनर आपको सच्चा प्यार करता है कि नहीं करता है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ एक ट्रिक, जस्ट वन ट्रिक काफ़ी होगा ये पता करने के लिए कि प्यार सच्चा है या टाइम पास है। अब विद इन अ सेकेंड जान पाओगे कि आपका प्यार सच्चा है या टाइम पास है। तो आज का वीडियो बहुत पावरफुल वीडियो होगा, आपकी बहुत हेल्प करेगा, बल्कि आपको मास्टर बना देगा, आप एडवाइस दूसरों को भी दे पाओगे। ओके, तो आज के इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा जो इंटेंशन है वो ये है कि आप आसानी से पहचान पाओ प्यार को, प्यार जो है वो फेक लव है या ट्रू लव है, ये आसानी से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे एक लॉ के बारे में, साइकोलॉजिकल लॉ है। देखिए साइकोलॉजिकल लॉ जो है वो ये है कि अच्छे वक्त की शुरुआत बुरे वक्त से होती है। ये साइकोलॉजिकल लॉ अगर आपके रिलेशनशिप पे फिट बैठता है, अप्लाई होता है, तो आपका प्यार सच्चा है, और अगर नहीं फिट बैठता है तो मान के चलिए आपका प्यार टाइम पास है। ये मैं नहीं कह रहा, साइकोलॉजी कह रही है। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं और आपको व्यवहारिक रूप में समझाते हैं। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे दो कैटेगरियाँ डिवाइड कर देती है साइकोलॉजी हमारे सामने। पहली कैटेगरी को फर्स्ट स्टेज और सेकेंड कैटेगरी को फाइनल स्टेज नाम दिया गया है। तो यानी कि फर्स्ट स्टेज को बुरा वक्त बोला गया है और फाइनल स्टेज को अच्छा वक्त। तो हम पहले बात करते हैं बुरे वक्त की, मतलब बुरे वक्त की बात करें तो फर्स्ट स्टेज, अगर आपका रिलेशनशिप जो है वो अभी स्टार्ट हुआ है, आप अभी रिलेशनशिप में आए हो, प्यार करना अगर आपने अभी स्टार्ट किया है, कुछ महीने हो रहे हैं, 1, 2, 4 यानी कि 1 साल के अंदर अंदर आपका रिलेशनशिप अभी चल रहा है, यानी कि अभी 1 ईयर नहीं कम्प्लीट हुआ है, तो आप मान के चलो कि आप फर्स्ट स्टेज में हो। तो ये फर्स्ट स्टेज आपके लिए बुरा वक्त साबित होगा, इसमें आपकी बातें नहीं मानी जाएंगी, आपके साथ आर्गुमेंट्स होगा, आपका पार्टनर आपकी बात बिल्कुल नहीं मानेगा, हो सकता है कि ऐसा लगे कि आपका पार्टनर आपसे प्यार नहीं कर रहा है, या फिर आपका पार्टनर आपके लाइफ में क्यों आया, या आप लोग रिलेशनशिप में क्यों आए, हो सकता है ऐसा लगे। लेकिन सच मानिए, ये एक ऐसा साइन है कि आप सच्चे प्यार में हो, सच्चे रिलेशनशिप में हो, इस बात को आप समझिएगा। यानी कि अगर ये लगभग इसका टाइम पीरियड जो है वो 6 to 12 month तक माना जाता है, तो अगर आप फर्स्ट स्टेज में हो, आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ है, तो अभी आपका बुरा वक्त होगा। तो बुरा वक्त होगा तो ये इस बात की गारंटी है कि आगे चल के आपका अच्छा वक्त आने वाला है। तो प्लीज़ अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसको ज़्यादा पैनिक में मत लीजिएगा, ज़्यादा पैनिक मत होइएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या हमारा पार्टनर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप सच्चे प्यार में हो। अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं होता है, आपका प्यार अभी शुरू हुआ है, 2-4 महीने अभी हो रहे हैं, लेकिन आप में इतना ज़्यादा प्यार है कि जैसे लग रहा है कि आप लोगों के सिर्फ आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, कोई और है ही नहीं, तो ये सिम्टम होता है फेक लव का। इस बात को आप समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं कंक्लूड करके भी आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं फाइनल स्टेज की। तो फाइनल स्टेज उसको बोला जाता है जो फर्स्ट स्टेज के बाद आता है। फाइनल स्टेज को अच्छा वक्त बोला जाता है, यानी कि 1 साल तक आपका बुरा वक्त चलेगा, तो ये सच्चे प्यार की निशानी है, फिर उसके बाद जो भी समय आएगा वो अच्छा वक्त आएगा, और इसकी शुरुआत जो होती है वो फर्स्ट स्टेज के बाद होती है। यानी कि इसको दूसरे एंगल से समझते हैं, अगर आप फाइनल स्टेज में हो, यानी कि 1 साल हो चुका है आपके रिलेशनशिप को, फिर भी बैर है, तकरार है, आर्गुमेंट्स है, बहस होती है, झगड़े होते हैं, एक दूसरे पे उंगलियां उठाई जाती हैं, अगर ऐसा होता है तो यकीनन आप फेक लव में हो, ये सच्चा प्यार नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो 1 साल के अंदर अंदर होती हैं, ये साइकोलॉजी कहती है। तो अगर आप इस बात को समझ पाते हैं तो बहुत आपके लिए आसान होगा ये आइडेंटिफाई करना कि आप जो है किस स्टेज पे हो, जिस स्टेज पे हो उस हिसाब से अप्लाई कर लेना। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इसको समझ लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सच्चा प्यार क्या है और टाइम पास क्या है। मैं आपको एक स्केल के माध्यम से समझाता हूँ, यहाँ पे एक ग्राफ है जिसको मैंने खुद ही ड्रॉ कर दिया वैसे ऐसे समझाने के लिए। देखिए ये आर जो है ये आपको ग्रीन से जो लाइनें दिख रही हैं ये रिलेशनशिप लाइन है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि आपको पहुँचना यहाँ पे है, आपका डेस्टिनेशन यहाँ ऊपर है टॉप पर। तो अगर आपका रिलेशनशिप की लाइन जो है वो एक उतार चढ़ाव के साथ चलती हुई अगर जाती है तो इसका मतलब ये है कि आप टॉप पर पहुंच जाओगे, एक बेहतर स्थिति पे पहुंच जाओगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे ये उतार चढ़ाव का मतलब आपको समझ में आ रहा है, यानी कि 1 साल आपको उतार चढ़ाव में लगेंगे, आपके साथ झगड़े होंगे, आपके साथ आपकी बातें नहीं मानी जाएंगी, एक तरीके से बहुत आर्ग्यूमेंट्स होगा, आपको लगेगा कि रिलेशनशिप बेकार है, ऐसा लग सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके का अगर जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है फर्स्ट स्टेज वाला, तो आप मान के चलिए आप मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते जा रहे हो और आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा आगे होने वाला है। जैसे आप टॉप पर पहुंचोगे आपके रिलेशनशिप जैसा किसी का रिलेशनशिप नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग रिलेशनशिप में आते हैं, ज़्यादातर लोग रिलेशनशिप में आते हैं और उनका रिलेशनशिप बहुत ही स्मूथ भागता है, बहुत ही स्मूथ चलता है, ऐसा लगता है उनके बीच में कोई झगड़े नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, कोई बहस नहीं है, बस प्यार प्यार प्यार,
ऐसा रिलेशनशिप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता है, ख़त्म हो जाता है। क्योंकि आप फर्स्ट स्टेज में अगर वो सारी चीज़ें हो रही हैं जो सेकंड स्टेज में होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेज में अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो सामने वाला आपका सिर्फ मिसयूज करने के लिए आया है, आपको चिकनी चुपड़ी बातें करके आपका मिसयूज करके आपका फ़ायदा उठा के अलग रूट बना लेगा। तो ये आपको समझ लेना चाहिए। तो इसको एक बार रिवाइज कराता हूँ फटाफट, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए साइकोलॉजिकल लॉ क्या कहती है कि अच्छे वक्त की शुरुआत जो है वो बुरे वक्त से होती है, यानी कि पहले आपका जो वक्त शुरू होगा वो बुरा वक्त होगा, यानी कि बहुत ही बैड सिचुएशन होगी, फिर उसके बाद की जो सिचुएशन होगी वो गुड सिचुएशन होगी। यानी कि बुरा वक्त आपका फर्स्ट स्टेज है, अगर फर्स्ट स्टेज जो है आपका बुरा है तो आप मान के चलिए आप सच्चे प्यार में हो, अगर बुरा नहीं है तो आप फेक लव में हो, टाइम पास प्यार में हो, और फाइनल स्टेज जो आपका होगा उसमें बस प्यार होगा, कोई आर्गुमेंट्स नहीं होगा, कोई बहस नहीं होगी। अगर फाइनल स्टेज यानी कि वन ईयर के बाद भी आपके साथ आर्गुमेंट बहस वगैरह होती है, पार्टनर आपकी बात नहीं मानता है, तकरार होता है, तो आप मान के चलिए फेक लव में हो। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो एंड में बस इतना कहूँगा कि इस कॉन्टेंट को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हर किसी को ये जानना चाहिए कि उनके साथ हो क्या रहा है, वो किस कैटेगरी में है, किस स्टेज पे हैं, और वाकई में उनका प्यार सच्चा है या नहीं है, कि केवल वो दावा ही कर रहे हैं कि उनका प्यार सच्चा है। और एंड में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी ही पावरफुल वीडियोस देखने के लिए। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरीज वगैरह हो उसको लिखना कतई मत भूलना, ताकि अपकमिंग वीडियो के लिए नए टॉपिक पिक किया जा सके। अगर आपने अभी तक लव इंटेंसिटी फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए उसको क्लिक करके फॉलो करिए। अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो, कंसल्ट करना चाहते हो फोन पे, तो कॉल मी फोर एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए। उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिए लव इंटेंसिटी @CM4, वहाँ पर लव इंटेंसिटी यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर। और आप ये 2400 घंटे में कभी भी कॉल कर सकते हो। ओके।